गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन दिस पार्ट ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स वी विल डिस्कस सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड दीज ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द एल्काइल हैलाइड शोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने डिफाइन किया था व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उस वक्त हमने देखा था कि व्हाई एल्काइल हैलाइड शोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो व्हाई एल्काइल हैलाइड शोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बिकॉज इन केस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स द सेंट्रल कार्बन एटम हैज द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज and the neighboring Cl atom has the slight positive charge. So due to the presence of that slight positive charge on the central carbon atom, because the every species will generally attack on the central atom, and in case of alkyl halide, the central atom has slight positive charge, so the attacking species will be the nucleophile. Attacking species will be the nucleophile. So the nucleophile will attack on the central atom. Hence the alkyl halide will shows the nucleophilic reaction. So due to the presence of slight positive charge on the central carbon atom, the nucleophile will attack on it. So the alkyl halides will show the nucleophilic reaction. Second one, as there is a single bond in between the central carbon atom and the neighboring Cl atom. So due to the presence of that single bond in between the central carbon and the neighboring Cl atom, the alkyl halide will show the substitution reaction. This substitution reaction show. कर देते हैं। एक चीज और हम आपको दोबारा से यहाँ पे याद दिला दें कि जो हम हर बार रिएक्शन के ऊपर जो लिख देते हैं Nu नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई स्पीसी लिख दी HCl, आप ध्यान देना, मान लीजिए हमने कोई स्पीसी लिख दी HCl, तो इट हैज टू पार्ट, वन इज द पॉजिटिव पार्ट अदर वन इज द नेगेटिव पार्ट। सो दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट स्पीसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। आप इस पॉजिटिव पार्ट को क्या कहते हैं, और सेकेंड पार्ट जो नेगेटिव पार्ट है दैट कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो मीन्स हम कभी भी न्यूक्लियोफाइल को आइसोलेट नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रोफाइल को आइसोलेट नहीं कर सकते। बाहर से जो हमने ऐड किया है, जो हमने लिखा एनयू नेगेटिव, हमने एनयू नेगेटिव अटैक नहीं ऐड नहीं किया, हमने कोई कंपाउंड ही ऐड किया। लाइक जैसे HCl है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए HCl है, HBr है, HI है, एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो उसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि अब अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल, दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर। और वो फैक्टर के बेसिस पे ही हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, व्हाई द एल्काइल हैलाइड विल शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अब हमें डिफरेंट जो एल्काइल हैलाइड्स हैं उनके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि किस में जो ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का वो कम होगा और किस में ज्यादा, किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी किस में स्लो होगी। तो हमने एल्काइल हैलाइड लिए जैसे RF, उसके बाद हमने RI लिया। अब हमें देखना है कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में इजिली होगी, वेदर इट इज द SN1 और द SN2। हमने उस केस में भी बताया था कि चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों के अंदर ही जो इनका ऑर्डर है वो सेम रहेगा, लेकिन वो ऑर्डर है क्या। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लोरिन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा है। सो ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरिन देयर इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द CF बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर will be more, while the bond strength of the CI bond will be less. तो इसलिए RI bond क्या होगा, आपका stronger होगा, और RI bond क्या होगा, आपका weaker होगा। इसलिए जो weaker bond है वो easily break हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा reactive होगा। तो RI is more reactive और RF is less reactive. So on moving from RF to RI, the size of the X atom increases. X कौन है यहाँ पे, जो group 17 element है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, जैसे diagram में आपको show किया गया है। तो जो आपके एक्स एटम है उसका साइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, जैसे हमने शो भी कर रखा है। एफ के बाहर हमने सर्कल स्मॉल लगाया है, आई के बाहर सर्कल हमने बड़ा करके लगाया है। ऐसे आप डायग्राम बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखेंगे। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द CX बॉन्ड डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लंबा हो गया आपका RI के केस में। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3, C2H5, कोई भी हो सकता है। मींस यहाँ पे कार्बन से अटैच है आयोडीन, ऐसे ही कार्बन से अटैच है फ्लोरिन, तो इसलिए हम लिखते हैं CX। CX का मतलब I किससे अटैच है, C से अटैच है, F किससे अटैच है, C से अटैच है। तो इसलिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है CX बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, RF से RI की तरफ जाते हैं वो आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr, इज मोर रिएक्टिव देन RCl, इज मोर रिएक्टिव देन RF।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो, ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी। देखो स्ट्रक्चर वन कौन कौन है आपकी, जैसे एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड ये हमने ले लिया, बेंजाइल हैलाइड ले लिया, ऐसे हम स्ट्रक्चर टू भी लेंगे। तो अब हमें कंपेयर करना है कि स्ट्रक्चर वन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या स्ट्रक्चर नंबर टू। तो स्ट्रक्चर वन तो आपने देख लिया, इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि पहला जो केस है एल्काइल हैलाइड उसके अंदर तो जो कुछ जो Cl है उसके पास आप जानते हैं Cl इज ए ग्रुप 17 एलिमेंट, जैसे बेंजाइल हैलाइड में हमने शो कर रखा है लास्ट वाले केस में Cl के चार्ट। तो देखो हमने थ्री लोन पेयर शो किए, व्हाई विल वी शो द थ्री लोन पेयर्स, बिकॉज क्लोरीन इज ए ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 के आखिर में 7 है, 7 क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वैलेंस शेल है, जब हम कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन वन जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड वो तो बॉन्ड बनाने में काम आ गया, देखो Cl ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। जो बच गए 6 इलेक्ट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, द फॉर्म ऑफ पेयर कॉल्ड द लोन पेयर। ऐसे ही हर Cl के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन और जो Cl के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल ही रहेगा, क्योंकि जो Cl है ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सो देयर विल रिमेन विल बी द सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द सी कार्बन एंड द Cl एटम। कार्बन और Cl के बीच में एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, इन ऑल द थ्री केसेस देयर विल बी सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन एटम, कार्बन एंड द Cl एटम, क्योंकि Cl के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की, कि वो एटम जिसके पास लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो लोन पेयर वाला जो Cl है वो डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिव पोजिशन पे नहीं है। आप एलाइल हैलाइड में देख लो, देखो Cl के ऊपर जो लोन पेयर है वो एटम Cl जो जिसके पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड से जिस कार्बन से अटैच है आगे देखो सिंगल ही बॉन्ड है, नहीं है ना वहां पे डबल बॉन्ड। तो इट मीन्स ये जो Cl के ऊपर लोन पेयर है ये रेजोनेंस में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगे, इसलिए कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। सो इन स्ट्रक्चर नंबर वन दैट इज द एल्काइल एलाइल और द बेंजाइल हैलाइड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हैलोजन एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, व्हाइल इन द स्ट्रक्चर टू जिसके साथ हमें कंपेयर करना है, जैसे विनाइल हैलाइड आप ध्यान से देखें इसमें Cl के ऊपर जो लोन पेयर है बोलो ये किस में इन्वॉल्व हो गए, बोलो दे गेट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लोन पेयर है बोलो किसके साथ अटैच है, बोलो यहाँ पे ये किसके अंदर अटैच है, ये यहाँ पे अटैच आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के साथ है, किसके साथ है बोलो ये डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच आपको दिख रहे हैं, ठीक हो गया, ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के साथ, सो दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। स्ट्रक्चर नंबर टू को देखें आप, देखो इसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके आगे चले जाएंगे ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे, एराइल हैलाइड इसके अंदर भी जो लोन पेयर है दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से कार्बन और Cl के बीच में दो इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर वाले उनकी वजह से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है। तो स्ट्रक्चर नंबर टू वाले जो दो कंपाउंड है विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड उनके अंदर आपके कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता, तो इसलिए ये जो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है दे आर लेस रिएक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो एल्काइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड है दे आर मोर रिएक्टिव। तो देखो इन स्ट्रक्चर नंबर टू दैट इज अ विनाइल हैलाइड इन द एराइल हैलाइड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द हैलोजन एटम आर इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, तो जिसकी वजह से क्या होगा स्ट्रक्चर वन में तो देयर इज सिंगल बॉन्ड करेक्टर इन बिटवीन द सी एटम एंड द हैलोजन एटम, व्हाइल इन स्ट्रक्चर टू में क्या होगा देयर इज अ डबल बॉन्ड करेक्टर इन बिटवीन द सी एटम एंड द हैलोजन एटम। सो इसलिए जस्ट कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, हेंस द स्ट्रक्चर नंबर वन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द स्ट्रक्चर नंबर टू कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इन केस के अंदर, देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्ट्रक्चर नंबर वन वालों के अंदर, देखो हम अटैक करके दिखाते हैं, जब ये अटैक करेगा इस कार्बन जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और ये Cl जिसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, जब इसके ऊपर देखो आराम से अटैक कर जाएगा, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड बड़ी इजीली क्या हो जाएगा बोलो ब्रेक हो जाएगा, इन ऑल द थ्री केसेस जो स्ट्रक्चर नंबर वन के जितने भी केसेस हैं हर एक के अंदर ऐसा ही होगा। देखो ये कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर क्या होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, देखो यहाँ पे, इसलिए जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इजीली चला जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है विच कैन बी ब्रेक इजीली। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड आल्सो कार्बन के ऊपर क्या है बोलो साइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर साइड नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है जब वो अटैक करेगा तो ये आराम से अटैक कर पाएगा, कोई स्टेप्स आप शो करेंगे
में, और इट कैन ब्रेक इजिली। जबकि जो आपका विनाइल हेलाइड है, इसके अंदर क्या हो गया बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से जो हमने शो किया है, और डबल बॉन्ड की वजह से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से डबल बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रेक इजिली। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हमने इकट्ठे लिखे हैं, आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है। कंपैरिजन, कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड देखो, यहाँ से ये स्ट्रक्चर इधर टू था, ये स्ट्रक्चर नंबर वन क्या था इधर फाइव, तो कोई भी एक कंपाउंड स्ट्रक्चर वन का ले लेंगे, कोई स्ट्रक्चर टू का। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए ऐसे पूछा जाएगा, व्हाई एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन द एराइल हैलाइड, ये आ जाए क्वेश्चन। देखो एक हमने स्ट्रक्चर वन का ले लिया ना एल्काइल हैलाइड, और स्ट्रक्चर नंबर टू का कौन ले लिया, एराइल हैलाइड, तो वन क्वेश्चन बन गया कि व्हाई एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड क्या पूछा जा सकता है, व्हाई एल्काइल हैलाइड, वही लिया हमने एल्काइल हैलाइड स्ट्रक्चर वन का, आर मोर रिएक्टिव देन द विनाइल हैलाइड, यानी हमने ये कॉमन आंसर लिख दिए है, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए भाई, यानी कंपैरिजन करके ये डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर, जैसे अभी मैं आपको बोल बोल के बता रहा था। तो क्वेश्चन क्या क्या बने देखो, मैं फास्ट फास्ट बोल देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड, या ये आ सकता है विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी among the alkyl halide and the aryl halide, among the alkyl halide and the vinyl halide, among the allyl halide and the vinyl halide, among the allyl halide and the aryl halide, among the benzyl halide, benzyl halide का किसके साथ comparison करोगे, benzyl halide का vinyl halide के साथ आ जाए, या benzyl halide का aryl halide के साथ आ जाए comparison करना। ये इकट्ठे आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इकट्ठा जवाब हमने इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, क्योंकि इन सभी का जवाब एक ही जैसा रहेगा। इधर वाले कंपाउंडों को, लेफ्ट वाले कंपाउंडों को हमने सबको स्ट्रक्चर नंबर वन बोल दिया, राइट वाले कंपाउंडों को विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाले को हमने स्ट्रक्चर नंबर टू कर दिया। तो स्ट्रक्चर नंबर वन का कंपेरिजन स्ट्रक्चर नंबर टू के साथ एग्जाम में करके आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन अमंग बेंजाइल क्लोराइड एंड द क्लोरोबेंजीन। जैसे अभी हमने आपको बता ही दिया था ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये एराइल हैलाइड है, आपका साफ साफ दिख रहा है आपको। एराइल हैलाइड के अंदर यहाँ पे जो ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे रेजोनेंस में, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ पे कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये दैट सिंगल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सी एंड सी एल दैट कैन बी ब्रेक इजिली, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये आराम से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जबकि आपके एराइल हैलाइड भी इजिली ब्रेक नहीं होगा। एक तो आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं, सेकंड आप ये भी कह सकते हैं कि बेंजाइल हैलाइड के अंदर जो आपके ये एल्काइल हैलाइड है, देखो ये कार्बन जिसके ऊपर सी एल अटैच है, ये कार्बन जिसके ऊपर कौन अटैच है बोलो, सी एल, वो किससे अटैच है, एक ही आर ग्रुप से अटैच है, देखो सी एक से, सो इट इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो आपका कौन हो जाएगा बोलो, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। और यहाँ पे वो कार्बन देखो, ये कार्बन जिससे सी एल अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, एक और एक, दो कार्बन से, तो ये आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक होगा। लेकिन जो बेटर इसका जवाब होगा वो आपका वही है जो हमने पहले बताया था ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ यहाँ पे, बेंजाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन द एराइल हैलाइड्स, ये पिछली स्लाइड के अंदर हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड, और जो उसका जो रेट है वो हम कैसे उसको फेवरेबल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखो मान लीजिए आपके पास एराइल हैलाइड है सिंपल, जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर सिर्फ सी एल है, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस रिएक्शन को करवाना ईजी नहीं है, क्योंकि पहली बात यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसलिए भी इजीली नहीं होती क्योंकि जो न्यूक्लियो अटैक करेगा वो कौन, न्यूक्लियोफाइल, और जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के पास क्या होती है, बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है बेंजीन रिंग के पास, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उनके बीच बोलो क्या हो जाएगी, उनके बीच हो जाएगी यहाँ पे रिपल्शन, तो इसलिए ये रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती। इसलिए जो आपके एराइल हैलाइड होते हैं इनके अंदर आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं चलती,
दैट इज द रीजन, क्योंकि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. सो देयर अकर्स अ रिपल्शन इन बिटवीन द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग एंड द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इजिली इन केस ऑफ द एराइल हैलाइड. तो यही हमारा क्वेश्चन है, उसको मोर फेवरेबल कैसे बनाया जाए. अब हम क्या करें कि इसमें रिएक्शन आराम से हो जाए. तो देखो, अगर हमारे पास सिंपली आपका होता एराइल हैलाइड जब बेंजीन के ऊपर सीएल होता तो क्या होता. तो ऐसा कैसे किया जा सकता है कि जो रिपल्शन किस लिए मिल रही है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अगर हम किसी तरीके से बेंजीन की हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, क्या कर दें उसको डिक्रीज कर दें. तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले ग्रुप लगा दें, तो वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे. फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा इजिली हो पाएगा एज कम्पेयर टू द सिंपल एराइल हैलाइड. तो आप ध्यान से देखेंगे आप इस रिएक्शन को कि जो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड कनेक्टर है, देखो ये जब चलता है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन इजिली नहीं होती क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है. रिएक्शन आपकी डोव्स रिएक्शन, जिसमें हम क्या चाहते हैं, हमने न्यूक्लियोफाइल कौन लिया यहाँ पे, NaOH लिया या इसमें तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल. तो Cl आपका रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, OH के द्वारा. तो आपका फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज दैट रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इजिली अंडर द नॉर्मल कंडीशन. सो वी रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड द प्रेशर ऑफ 300 एटमोस्फियर. तो अंडर दिस विगरस कंडीशन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्शन नहीं होती ड्यू टू द रिपल्शन फैक्टर, और उस रिपल्शन फैक्टर को ओवरकम करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट हुई. ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज शोन बाय एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट डोव्स, सो कॉल्ड द डोव्स रिएक्शन. तो आप इसे कौन से रिएक्शन कहते हैं, डोव्स रिएक्शन. एग्जाम में आ जाए व्हाट इज डोव्स रिएक्शन, तो आप यही लिखते हैं द कन्वर्जन ऑफ द क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल बाय एडिंग द एक्वस NaOH एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड द प्रेशर ऑफ 300 एटमोस्फियर, दैट इज द डोव्स रिएक्शन. इसे आप डोव्स रिएक्शन कहते हैं. अब इस डोव्स रिएक्शन को हमें इजी बनाना है. इसको क्या बनाना है, इजी कैसे बनाए हम इजी, यही तो हमारा मेन क्वेश्चन था. तो देखो हमने क्या किया, हमने ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप लगा दिया, NO2. और जो NO2 ग्रुप है उसका कैसा इफेक्ट है, उसका माइनस आर इफेक्ट है, उसका माइनस आई इफेक्ट है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप ध्यान से देखें, पहले टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या थी, 623, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड. नाउ इफ यू इंट्रोड्यूस ओनली वन माइनस one electron withdrawing NO2 group at the ortho position, then that particular reaction now can take place at slightly lower temperature, that is at 433 Kelvin. 433 के ऊपर ही रिएक्शन हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम कर दी. अगर हम फर्दर करें इस रिएक्शन को, तो मोर द नंबर ऑफ द माइनस आर इफेक्ट ग्रुप एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन, लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, सो मोर विल बी द chances of attack of the incoming nucleophile on the benzene ring. So more will be the reactivity of the aryl halide. So jitne jyada hum minus R effect electron withdrawing groupon ki sankhya badhate chale jayenge ortho aur para position ke upar, jaise abhi tak humne ek hi NO2 group lagaya hai aur low temperature ke upar dekho badi aaram se reaction ho gayi 433 pe. Ab hum next example lete hain, isme aap dekhiye bade dhyan se, we introduce that electron withdrawing group at ortho position and also at the para position, one at the ortho position, other one is at the para position. So due to the presence of these two NO2 group, that particular reaction now takes place at temperature of 403 Kelvin. 403 केल्विन के ऊपर ही रिएक्शन हो गई, जबकि पहले वाली कितने पे, 433. और जब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया ही नहीं था तो कब हो रही थी, 623 केल्विन टेम्परेचर एलोंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई प्रेशर. अगर हम एक और NO2 ग्रुप लगा दें, जो रिमेनिंग आपकी NO2 पोजीशन है देखो उसके ऊपर, तो ये 2 अगर हम नंबरिंग करें तो देखो ये कौन हो गया बोलो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया ना, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन. तो हर एक ऑर्थो हर एक पैरा पोजीशन के ऊपर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, क्योंकि रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा पे ही चलता है. तो उससे क्या हुआ देखो, रिएक्शन सिंपली कब हो गई, इवन बाय एडिंग वार्म वाटर, अगर हमने वार्म वाटर ऐड कर दिया तो भी रिएक्शन हो जाती है. तो ये इसी क्वेश्चन का जवाब था. तो आप क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एराइल हैलाइड्स कैन बी मेड इजीली, कैन बी मेड फेवरेबल बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और वो भी कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सीएल ग्रुप. सो मोर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन,
lesser will be the electron density on the benzene ring, and lesser will be the repulsion in between the electron density remaining on the benzene ring and the incoming nucleophile, and thus more will be the reactivity of the aryl halide. उतनी ही ज्यादा aryl halide की reactivity हो जाएगी. तो ये था हमारा next question. तो order क्या हुआ? तो 2,4,6 trinitrochlorobenzene is more reactive. Then the 2,4 dinitrochlorobenzene is more reactive. Then the 2 nitrochlorobenzene and then the chlorobenzene. तो chlorobenzene यहाँ पे सबसे कम reactive है और उसको करने के लिए ज्यादा temperature, ज्यादा pressure चाहिए. और ये जो last वाला हमारा compound है 2,4,6 trinitrochlorobenzene, ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शंस अमंग दीज कंपाउंड. देखो फर्स्ट कंपाउंड ये हमने लिया जो बेंजाइल क्लोराइड ही है. देखो बेंजीन C6H5 बेंजीन है, बेंजीन के बाद देखो CH2 ग्रुप है, आगे Cl. कई बार ऐसे कंपाउंड लिख देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा नया कंपाउंड हो गया. अदरवाइज ये जो कंपाउंड जो अभी अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रा की ये कोई और नहीं, ये कंपाउंड कुछ यही है. देखो बड़े ध्यान से, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 के आगे क्या लगा दिया बोलो हमने, Cl मीन्स ये बेंजाइल क्लोराइड है. क्लियर हो गया इतना. इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर Cl वो एक ही कार्बन से अटैच है. देखो ये कार्बन जिसके ऊपर कौन अटैच है बोलो, Cl वो कितने कार्बन से अटैच है बोलो, एक ही कार्बन से अटैच है. ये नहीं कि C6H5 लिख रखा है तो 6 कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने डायग्राम बनाया कि ये कार्बन देखो जिसके ऊपर कौन अटैच है, Cl, ये देखो बेंजीन के इसी एक कार्बन से अटैच है. ये नहीं कि सभी कार्बन से अटैच हो गया, तो द कार्बन कंटेनिंग Cl इज अटैच्ड विद ओनली वन कार्बोनेटर, सो इट इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. इसलिए हमने डायग्राम बना के भी आपको शो कर दिया है. नेक्स्ट हमने लिया ये सेकंड केस, इसमें हमने क्या किया, जो एक एच था वो हटा के हमने क्या लगा दिया, CH3. सो इट इज द, अब दो दो वो कार्बन जिसके ऊपर Cl उसके ऊपर दो दो आपके R ग्रुप आ गए, सो इट इज द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. SN2 रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट केस में हमने CH3 को हटा के C6H5 में बल्किनेस इंक्रीज कर दी हमने. CH3 इज अ स्मॉलर ग्रुप, C6H5 इज अ लार्जर ग्रुप, इट इज अ बल्कियर ग्रुप. But both are the secondary alkyl halide. Structure number 2 and structure number 3 both are the secondary alkyl halide. Structure number 3, हमने जो remaining H था उसको भी remove, replace करके हमने C6H5 में benzene ring phenyl group अपने लगा दिया है. So that is the tertiary alkyl halide. SN2 reaction, जैसे कि हमने पहले ही read out किया था, SN2 means there must be the involvement of the two species. One is the reactant, other one will be the involvement of the incoming nucleophile. Incoming nucleophile की भी involvement होनी जरूरी है. तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो कब करेगा अटैक. तो SN2 रिएक्शन जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो SN2 रिएक्शन वो इजीली कब चलती है, वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में चलती है. तो आप पहले केस में देखें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल. ऐसे ही हर केस में कार्बन के ऊपर स्लाइट नेबरिंग जो Cl उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल. नेक्स्ट केस के अंदर भी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज तो है ही, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेंट्रल एटम के ऊपर. सिमिलरली इन द लास्ट केस कार्बन एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, द Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl एटम विड्रॉज दिस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द सिट एक्वायर द स्लाइट नेगेटिव चार्ज, सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द सेंट्रल एटम. बट नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हिच केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज मोर फॉर द SN2 रिएक्शन. फॉर द SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन वो होती है जिसमें एक तो रिएक्टेड मॉलिक्यूल में एल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी जरूर करे अटैक. तो न्यूक्लियोफाइल किस में करेगा अटैक, जरूर जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है. स्टेरिक हिंड्रेंस किस में कम है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में. तो इसलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी देन द टर्शियरी वन. तो मींस ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन अमंग द डिफरेंट एल्काइल हैलाइड विल बी द टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होंगे बोलो, आपके लेस रिएक्टिव होंगे देन सेकेंडरी देन द प्राइमरी वन. तो SN2 रिएक्शन किस में इजीली चलेगी, प्राइमरी के अंदर चलेगी. तो ये ऑर्डर हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन द बोलो क्या, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा. इसके बाद नेक्स्ट वन, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जैसे हमने पहले ही लिख रखा है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, जो स्ट्रक्चर नंबर जो वन है वो आपकी ज्यादा रिएक्टिव होगी. तो यहाँ से हमको हटा देते हैं, सो स्ट्रक्चर नंबर वन इज मोर रिएक्टिव देन द 3N2 is more reactive than the structure number 4. तो सबसे कम reactive structure number 4 होगी क्योंकि वहां पे steric hindrance ज्यादा है, इसलिए SN2 reaction वहां पे easily नहीं चल पाएगी. उसके बाद अब इतना तो ठीक है कि सबसे कम reactive कौन हो गई, structure number 1, क्योंकि primary alkyl halide है.
सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गए प्राइमरी एल्काइल, सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गए टर्शियरी एल्काइल स्ट्रक्चर नंबर 4। तो मोस्ट रिएक्टिव इज स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड लीस्ट रिएक्टिव इज स्ट्रक्चर नंबर 3। लेकिन जो स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 हैं बोथ आर द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा वही स्टेरिक इफेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे 1 आपका बेंजीन रिंग है, अदर वन इज द CH3 ग्रुप, दूसरा वाला कौन है यहाँ पे CH3 ग्रुप है। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 3 में देखें बोथ आर द बल्कियर बेंजीन रिंग, बोथ आर द बल्कियर फिनाइल ग्रुप, तो इसलिए ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसमें जल्दी होगा, किसमें ज्यादा होगा, आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर। फर्दर देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द CX बॉन्डेड कार्बन एटम इन स्ट्रक्चर नंबर 3 देन स्ट्रक्चर नंबर 2। इसीलिए जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा बोलो, ऑर्डर हम देखो ये दोबारा से लिख देते हैं, हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्ट्रक्चर नंबर 1 तो क्या होगी बोलो हमारी मोस्ट रिएक्टिव हो गई, और स्ट्रक्चर नंबर बोलो 4 हमारी क्या हो गई लीस्ट रिएक्टिव हो गई। उसके बाद 1 से थोड़ी ज्यादा रिएक्ट ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें थी स्ट्रक्चर नंबर 3 में, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 3 आ जाएगी हमारी, यहाँ पे कौन आ जाएगा स्ट्रक्चर 2। तो 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2, 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3, 3 इज मोर रिएक्टिव देन 4। तो इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर देंगे SN2 रिएक्शन को। अगर SN1 रिएक्शन होती तो जो हमारा ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता, क्योंकि SN1 रिएक्शन कौन सी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक ही ना कर पाए, तो उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता यही सेम क्वेश्चन विद ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाता रिवर्स। तो SN1 रिएक्शन कौन इजिली दिखाता, आपकी स्ट्रक्चर नंबर 4 में इजिली चलती, देन 3 देन 2 देन 1, और सबसे कम चलती स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर SN1 का अगर क्वेश्चन आता तो। लेकिन प्रेजेंटली ये क्वेश्चन हमारा SN2 रिएक्शन से रिलेटेड था, तो इसका ऑर्डर आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब आ जाता है समथिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस के द्वारा, क्योंकि जो आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं वो आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस भी शो कर देते हैं। बेसिक रिएक्शन तो वो वही शो करते थे जो अभी तक हमने आपको बताया, दैट इज द आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आपके जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, देखो जो आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार्बन दिखाया इसके ऊपर, देखो हमने एक H लिख दिया, इसके नेबरिंग एटम के ऊपर देखो Cl हमने लगा दिया, देखो इस टाइप से। तो क्या हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि जितने भी रिएक्शन कुछ ऐसे चले कि जो नेबरिंग एटम है, देखो यहाँ से H हट जाए, इसका नेबरिंग यहाँ से Cl हट जाए, मींस द टू एटम आर लॉस्ट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या होगा कि जो ये कार्बन है देखो यहाँ पे, ये जो कार्बन था इधर, ठीक है, ये स्टेप से, तो अब ये क्या करेगा आपस में इनके बीच में बन जाएगा नया बॉन्ड, दैट इज द डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन्स बन जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, लॉस क्या हुआ HCl, क्या लॉस हुआ HCl। तो अब क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही है यहाँ पे कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के एक्वस KOH के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है, लेकिन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो एल्कीन्स बनती है, ऐसा क्यों? तो मीन्स एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई द रिएक्शन, व्हाई द एल्काइल हैलाइड शोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एक्वस KOH टू गिव द अल्कोहल्स, व्हाइल द एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव द एल्कीन्स, व्हाई, ऐसा क्यों? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो अब हम बताते हैं कि ये हमने लिया क्लोरोइथेन, और ये क्लोरोइथेन लेके हम इसकी रिएक्शन करते हैं, देखो इसमें भी कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन व्हेन वी कॉज दैट रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस मींस वाटर, वाटर है, तो यहाँ पे क्या मिला OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, सिर्फ OH, क्योंकि वाटर के अंदर से भी OH नेगेटिव आते हैं और KOH के अंदर से भी OH नेगेटिव, मींस ओनली OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट। और जो OH नेगेटिव आयन है ये एक वीकर बेस है, बोलो कौन है, दैट इज ए वीकर बेस, और वीकर बेस और ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंगर है, तो इसलिए स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कहाँ पे करेगा आपके कार्बन के ऊपर। हम पहले ही आपको ये डिफरेंस बता चुके हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच, बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अगर H को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसे बेस कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अपने इलेक्ट्रॉन H को छोड़ के किसी और एटम को दे दे और एटम जनरली कार्बन होता है तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आपके जो OH नेगेटिव आयन है ये यहाँ पे आपका वीकर बेस है, मीन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, मीन Cl हटेगा और क्या लग जाएगा बोलो OH। जबकि अगर हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है
यहाँ पे बनते हैं दो आयंस। एल्कोहल के अंदर से कौन आया, एल्कोहल मीन्स जनरली हम इथेनॉल लेते हैं, तो वहां से कौन आया, इथेनॉल कौन होता है, C2H5OH, तो C2H5O नेगेटिव, और QH के अंदर से नेगेटिव कौन आया, OH नेगेटिव, तो हमारे पास टू नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, आउट ऑफ दीज टू न्यूक्लियर नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, दैट इज द इथोक्साइड आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन, द इथोक्साइड आयन विच एक्ट एज द स्ट्रॉन्गर बेस, और जब का OH नेगेटिव आयन है वो वीकर बेस का काम करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दे देगा ये, यहाँ पे इट विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H, ये अपने इलेक्ट्रॉन H को दे देगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से ये H को इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे हमने नीचे पहले ही एक्सप्लेन किया था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएंगे और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो इस टाइप से चला जाएगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और जबकि एक्वस KOH के केस में अटैक ही डायरेक्ट किसके ऊपर हुआ था, द कार्बन कंटेनिंग Cl, देखो उसके ऊपर अटैक हुआ तो Cl Cl ही निकलता, तो Cl हटके OH लग जाता है एक्वस KOH के केस में। और एल्कोहलिक KOH के केस में क्या हुआ, H को इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस का काम करता है, क्योंकि वहां पे इथोक्साइड आयन बन जाता है, वो एक बल्कियर ग्रुप भी है, OH एक स्मॉलर ग्रुप है, OH क्या है देखो स्मॉलर, O के साथ H है, यहाँ पे इथोक्साइड आयन में O के ऊपर C2H5 बल्कियर है, तो बल्कियर ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, वो कार्बन के ऊपर जाके अटैक नहीं कर पाएगा, जो लेस हिंडर्ड साइट है दैट इज द कार्बन, जो H है उसके ऊपर वो आराम से H को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसलिए एल्कोहलिक KOH तो कौन सी रिएक्शन शो करता है, एलिमिनेशन, और एक्वस KOH कौन सी रिएक्शन शो करता है, दैट शोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव द एल्कीन, और वहां पे क्या बना आपके एल्कोहल बन गया। देखो इन एक्वस KOH, इन एक्वस सॉल्यूशन द KOH गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड टू गिव ओनली द OH नेगेटिव आयन व्हिच एक्ट एज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, एंड दस द OH नेगेटिव आयन विल अटैक ऑन द कार्बन एटम कंटेनिंग द Cl, एंड दस इट लीड्स टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू गिव द एल्कोहल, व्हाइल द एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ द KOH कंटेन्स द एल्कोक्साइड आयन अलोंग विद द OH नेगेटिव आयन, एंड दीज एल्कोक्साइड आयन आर द बल्की स्पीसी, दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्गर बेस ड्यू टू देयर बल्कीनेस, एंड दस दे कैन दे विल अटैक, दे विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम, एंड दस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन्स, और इसलिए हमारे पास क्या मिल जाएंगे बोलो, एल्कीन्स मिल जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ऑर्डर ऑफ द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और द एलिमिनेशन रिएक्शन अमंग द डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, दैट इज अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स के बीच में ऑर्डर देखेंगे कि किसमें एलिमिनेशन रिएक्शन इजीली होगी। जैसे अभी हमने देखा भी कि जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं एल्काइल हैलाइड के अंदर तो कौन सी रिएक्शन चलती है, आपने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन चलती है। अब हम देखेंगे किसमें इजीली चलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, तो किस बेसिस के ऊपर हम उसको करेंगे एक्सप्लेन। तो आप देखें यहाँ पे कि आपके जो एल्काइल हैलाइड है, जैसे अभी हमने यहाँ पे कौन लिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो हमने लिया है यहाँ पे, उसके बाद इसमें क्या हुआ एल्कोहलिक KOH, उसने अटैक किया, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, Cl देखो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, आपकी एल्कीन बन गई। लेकिन ये एल्कीन आपकी कैसी है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि दोनों कार्बन जो CH2 जो हमने शो किया है उन बोथ द कार्बन एटम ओनली एच इज प्रेजेंट, तो ये आपकी अनसब्स्टिट्यूटेड है बल्कि, लेकिन जब हम कंपेरिजन फॉर्म में लिखते हैं तब हम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कह देते हैं, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूटेड है ही नहीं, इट इज द अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, because only H atom are present on both the doubly bonded carbon atoms, so it is the unsubstituted alkene, yeah, baat aap dhyan rakhenge. Next one in case of the secondary alkyl halide kyun hai, kyunki isme humne kya kiya, the carbon containing Cl is further attached with two alkyl groups, dekho do do alkyl groups attach hai, dekho ye carbon jiske upar Cl hai, ek alkyl group to bolo kaun hai yahan pe, dekho ye CH3, dusra alkyl group dekho ye raha, ye CH3 ho gaya na, so it is the secondary alkyl halide, ये कौन हो गया बोलो, तो वो कार्बन जिसके ऊपर Cl है, अगर उसके ऊपर दो दो R ग्रुप हो, दो दो एल्काइल ग्रुप हो, तो आप उसे कहते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो इसमें भी उसी टाइप से रिएक्शन चलेगी। ये जो रिएक्शन चलती है तो वो कार्बन जिसपे Cl, उसका जो नेबरिंग कार्बन है उसके ऊपर जो H होता है उसके ऊपर बेस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखो दोबारा से OH ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए H को, H अपने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर देगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स,
तो वो दोनों कार्बन कार्बन के भी शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन के पहले से चार बॉन्ड बने हुए हैं, देखो वो कार्बन जिसपे सी एल, उसके पहले से कितने बॉन्ड है, चार बॉन्ड है। तो इसलिए एक दो इलेक्ट्रॉन जाने से, सी एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाने से, डबल बॉन्ड बनने से कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे, एक टूटेगा जरूर, इसलिए सी एल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और इस तरह से दोबारा से एल्कीन बन गई। ये ऐसी एल्कीन है जो सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसमें कार्बन के ऊपर एक सी एस थ्री आ चुका है, क्या आ चुका है बोलो, यहाँ पे सी एस थ्री, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर नंबर वन एल्कीन, जो ऊपर वन एल्कीन बनी सी, उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लें तो इसमें देखें वो कार्बन जिसके ऊपर सी एल है, उससे देखो तीन तीन आर ग्रुप अटैच है, देखो वन आर ग्रुप, सेकेंड आर ग्रुप एंड थर्ड आर ग्रुप, so it is a tertiary alkyl halide. तो ये कौन हो गया आपका, tertiary alkyl halide है। तो similar form में यहाँ पे reaction चलेगी, जो base हम डालेंगे अभी alcoholic wedge, जो उसके अंदर OH negative ion है, देखो दिखाने को हम alcoholic wedge के अंदर से भी हम OH negative ion show कर रहे हैं, otherwise हम पीछे आपको सिखा चुके हैं कि जो attack करता है हर case के अंदर, ये आपका एल्कोहल के अंदर से जो R होता है ये OH नहीं, बल्कि जो अटैक होता है यहाँ पे बोलो कौन होता है, ये जब हम मैकेनिज्म बेसिस के ऊपर देखें तो ये OR ही होता है, जो एल्कोक्साइड जो आयन होता है वो अटैक करता है, क्योंकि OH तो आपका क्या था, हमने बताया था वीकर बेस है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कि लिखने को हम लिख देते हैं ऐसे OH नेगेटिव आयन, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए वो इस बेसिस पे लिख देते हैं कि OH है, OH है, लेकिन क्योंकि अल्कोहलिक OH है तो यहाँ पे OR नेगेटिव, व्हिच एक्ट एज द स्ट्रॉन्गर बेस ड्यू टू द बल्कियर साइज ऑफ द R, तो ये बेस का काम करता है, तो OR नेगेटिव आप लिखेंगे तो मोर करेक्ट होगा वो। उसी टाइप से देखो अटैक हुआ, सी एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में चले जाएंगे, वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के पहले से चार बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, वो कार्बन जो रेड कलर से शो कर रखा है जिसके ऊपर सी एल है उसके पहले से चार बॉन्ड है, अगर सी एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड के लिए, तो वहां पे पांच बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए उस जो सी एल है इट विल विड्रॉ बोथ द इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फोर। तो इस टाइप से एल्कीन बन गई, दैट एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये एल्कीन जो है और भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इसके ऊपर दो दो सी एस थ्री। आप पहले ही पढ़ चुके हैं एक रूल जिसे कहते हैं सेटजेफ रूल, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ऑन डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि क्या क्या निकला है, कार्बन से एच लॉस हुआ, दूसरे कार्बन से सी एल लॉस हुआ, तो एलिमिनेशन हुई है। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इन विच ओनली द loss of atom takes place either from the same carbon atom or from the adjacent carbon atom, तो यहाँ पे from the adjacent carbon atom loss हो रहे हैं, एक H और दूसरा Cl, तो इसलिए tertiary alkyl halide on dehydrohalogenation gives the more substituted alkene than the secondary and the primary alkyl halide, and according to the Setjeff rule we know that the more the substituted alkene more will the stability, तो कौन सी reaction fast होगी, वही reaction fast होगी जिसमें आगे product ज्यादा stable बनता हो, तो tertiary alkyl halide से जो आगे product बना है, जो structure number 3 बनी है, जो alkene बनी है वो ज्यादा stable है, more substituted alkene है, इसलिए वो easily बनेगी, वो जल्दी बनेगी, इसलिए जो tertiary alkyl halide है वो more easily जल्दी से structure number 3 के अंदर convert हो जाएगा, मतलब tertiary alkyl halide ज्यादा reactive होगा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कह दें या ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन कह दें अमंग द डिफरेंट एल्काइल हैलाइड क्या होगा, द टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड व्हिच इन टर्न फर्दर मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपके अगर हम क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन आयडोइथेन ले लें और उसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाएं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही यही एलिमिनेशन रिएक्शन, तो किस में इजिली चलेगी, तो देखो ये हमने डिफरेंट कंपाउंड लिया, आपके प्राइमरी एल्काइल फ्लोराइड ले लिया हमने, उसके अंदर जब हम रिएक्शन करवाएंगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे हर केस के अंदर, वैसे इससे कोई ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं, आपके नंबर कट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मोर करेक्ट आंसर ये होगा, यहाँ पे ओ आर लिख देंगे आप, OH के लिए बोलो क्या लिख देंगे, ओ आर नेगेटिव केस के अंदर, तो जो ओ आर नेगेटिव है यहाँ पे बेस का काम करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, एच को, तो एंड सोन वही आपकी इथीन बनेगी, अगर हम एफ की जगह सी एल लगा दे तो क्या होगा, तो भी तो यही अटैक होगा यहाँ पे, ये ओ आर नेगेटिव वही अटैक होगा, तो सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, दैट इज इथीन, अगर हम यहाँ पे बी आर लगा दे तो क्या होगा, फिर भी आपके वही देखो ओ आर नेगेटिव आपका वही उसी टाइप से अटैक, सेम मैकेनिज्म वही, सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, देखो इथीन इथीन एंड इथीन, लास्ट केस की तरह भी नहीं है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेस, मींस सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, लास्ट केस में भी आप देखें वही आपके जो एल्कोहलिक एच हमने लिया तो सेम एलिमिनेशन रिएक्शन जब आपकी चली यहाँ पे, एक उसी टाइप से आपका सेम इथीन इज फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन इज विच
एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, तो मीन्स और सारी चीजें कॉमन है, एक ही डिफरेंस है वो है सी एक्स बॉन्ड का, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो किस में इजिली टूटेगा, वो उसमें इजिली टूटेगा जो बॉन्ड वीक है, वीक किस में है वो जो बॉन्ड लंबा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है वो कौन है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो जिसकी वजह से सी आई बॉन्ड लॉन्गर है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है वो इजिली टूटेगा, इसलिए जो प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड है दैट विल बी द मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन इजिली चलेगी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम आर एफ टू आर आई द साइज ऑफ द एक्स एटम इंक्रीजेस एंड दस द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस मीन्स द सी एक्स बॉन्ड, तो सी एक्स बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और सी एक्स बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड दस द आर एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस मीन्स सी एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और इसीलिए जो ऑर्डर होगा एलिमिनेशन रिएक्शन का या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का अमंग दीज डिफरेंट एल्काइल हैलाइड विल बी आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर वी आर इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ, और इन सभी केसेस में हमें आर की वैल्यू सेम रखनी होगी, क्योंकि ऊपर वाले सभी केसेस में आपने देखा हमने सभी में इथ ले रखा है, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, और उन सभी इथित को हमने यहाँ पे लास्ट में आर से रिप्रेजेंट कर दिया मीन्स एल्काइल आयोडाइड more reactive than the alkyl bromide, more reactive than alkyl chloride, is more reactive than the alkyl fluoride. तो ये थे आपके different questions, आपके elimination reactions के भी question देखे आपने, nucleophilic substitution reaction के basis पे भी question देखे आपने different alkyl halides के अंदर, तो इसी type से आप different questions को आप ध्यान रखें और इनको याद करें। Thank you.